हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल द कुकिंग क्रश। आज हम आपके लिए हमारी फेवरेट डिश लेके आए हैं, दाल गोश और बाफले की रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पास ही बेल आइकन और उसको भी प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मिस ना करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको ये वीडियो। तो हमने दाल गोश बनाने के लिए ये चार तरह की दालें ली हैं, चने की दाल, मूंग दाल, तुअर दाल और मसूर दाल। इन चार दालों के साथ हमने गोश ले लिया है और एक टमाटर और तीन हरी मिर्च। इन सब चीज़ों से हम दाल गोश बनाएंगे। तो यहाँ मैंने तुअर दाल जो ली है वो है हाफ कप ली है मैंने, हाफ कप तुअर दाल ली है और बाकी सारी दालें 1/4 कप ली हैं। ये देखिए, मूंग दाल ले लिया, चने की दाल। आप चाहें तो सिर्फ तुअर दाल से भी दाल गोश बना सकते हैं और मसूर की दाल। ये चार दालों से हमने दाल गोश बनाया है। अब हम दाल को अच्छे से वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद इसको हम दाल को थोड़ी सी देर सोख होने के लिए रख देंगे, 10 से 20 मिनट के लिए अगर आपके पास टाइम है तो। तब तक हम गोश्त को फ्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है, इसमें हम गोश्त डाल देंगे। उसको 1 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे ताकि हमारा गोश्त जल्दी पक जाएगा, जल्दी कुक हो जाएगा। जब हम इसको दाल के साथ सीटी लेंगे तो जल्दी कुक हो जाएगा ये, हमें अलग से गोश्त को कुक करना नहीं पड़ेगा। ये देखिए, गोश्त का कलर चेंज हो गया है, हमने 1 मिनट तक फ्राई किया था। अब हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर देंगे जिसको हमने रफली चॉप कर लिया है। और इसमें जो हमने दाल वॉश करके रखी वो भी ऐड कर देंगे। हमने पानी के साथ ही दाल को ऐड कर दिया है। और पानी भी ऐड कर देंगे इसमें और सारे मसाले डाल देंगे, नमक, सॉल्ट टू टेस्ट, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा धनिया पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें। और 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने यूज़ करा है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। 1/4 टेबल स्पून हमने यहाँ पे हींग ऐड कर दिए इसमें, इसको हम पैक कर देंगे और 4 सीटी लेंगे। आप पानी की क्वांटिटी देख सकते हैं, आप आपके हिसाब से ऐड करिएगा वाटर। और जब तक हमारे कुकर में सीटी आ रही है तब तक हम डो रेडी कर लेते हैं बाफलो का। यहाँ मैंने 2.5 कप आटा लिया है, इसमें मैंने 1/4 कप सूजी ऐड करी है। इससे बहुत ही अच्छा क्रंच आता है दोस्तों, तो आप ज़रूर ऐड करिएगा। अगर आज तक आपने बाफलो में या बाटी में सूजी ऐड नहीं करी तो आप ऐड करके देखिएगा, इसमें बहुत अच्छा क्रंच आता है। सॉल्ट टू टेस्ट ऐड कर देंगे और पिंच ऑफ बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 1 बड़ा स्पून लिया है ऑयल, ये हॉट ऑयल लिया है मैंने, ऑयल को गर्म कर लिया है। और इसको गर्म ऑयल डालने से ये होता है, आपको सोडा ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हॉट ऑयल ही इसमें सोडे का काम करेगा, इसलिए मैंने पिंच ऑफ सोडा यूज़ किया था। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद पानी से थोड़ा थोड़ा पानी लेकर अच्छे से एक डो रेडी कर लेंगे। मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में बता रही हूँ ये सब चीज़ें। देखिए, इस तरह से हम दो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अच्छे से बना लेंगे। सॉफ्ट सा डो बनाना है, ज़्यादा हार्ड नहीं बनाना है हमें डो। देखिए, हमारा डो रेडी होने आया।
हमने इस डो में अजवाइन भी ऐड करी थी, उसको क्रश करके ऐड किया था। ये ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें ऐड करें। तो हमारा डो रेडी है, इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे 10 मिनट्स के लिए। उसके बाद हम इससे बाफले बनाएंगे। तो यहाँ डो को रेस्ट करे हुए 10 मिनट्स हो गए हैं, अब हम बाफले बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले हम बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए हमारी सारी बॉल्स बना ली हैं। अब एक एक करके हम बाफले बनाना करते हैं। बाफले बनाना बहुत मुश्किल लगता है बहुत से लोगों को, पर ये बहुत ईजी है। आप देखें जिस प्रोसेस से मैं बना रही हूँ, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी लगते हैं ये। इस तरह से आप एक नॉर्मल सी रोटी बना लीजिएगा। आपको सूखे आटे लेने की ज़रूरत नहीं है, और इसके ऊपर ऑयल घी आप जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। ऑयल घी अच्छे से लगाने के बाद इसमें हाफ कट लगाना है आपको। हाफ कट लगाने के बाद इसको रोल करना है। इसी प्रोसेस से आप रोल करिएगा दोस्तों। इस तरह से रोल करने से इसमें बहुत अच्छी एक लेयर आ जाती है। जब हम इसको बॉईल करेंगे, फिर फ्राई करेंगे, फिर बैक करेंगे, देन फ्राई करेंगे, 3 प्रोसेस होती है इसकी। तो इसमें ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट होती है बाफलों में। इस तरह से आप बनाइएगा। अब हम इसको ट्विस्ट करते हुए एक पेड़ा बना लेंगे। देखिए इससे बहुत अच्छी लेयर्स बनेंगे। देखिए कितनी सारी लेयर्स आ गई ना, आपको नज़र आ रही होगी काफ़ी अच्छे से। मैंने कोशिश करी है बहुत अच्छे से आपको दिखाने की, और बनाने के लिए भी आपको बना के दिखाया भी बहुत अच्छे से, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इसी तरह से एक और बार मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हमने ये बनाया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट करना बिल्कुल भी मिस ना करें, और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी लिंक आपको हमारे अबाउट में मिल जाएगी, इंस्टाग्राम फेसबुक की। और वहाँ पे हमने अमेज़ॉन की भी लिंक शेयर करी है, उस पर हम बहुत ही अच्छे अच्छे डील्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए हम वो डील्स के लिंक लगा देते हैं, तो आप लोग ज़रूर विज़िट करिएगा दोस्तों। देखिए सेम प्रोसेस से मैं आपको बता रही हूँ, आप ध्यान रखिए इस तरह से बनाना है आपको। ये देखिए हम ट्विस्ट करेंगे अब अगेन इसको, जिससे काफी अच्छी लेयर्स आ जाएंगे हमारे बाफलों में। देखिए सारे हम इसी तरह से बना लेंगे और फिर इसको बॉईल करेंगे। हमने वाटर रख दिया है बॉईल होने के लिए, जिसमें हम बाफलों को बॉईल करेंगे। ये देखिए तो पानी हमारा बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें बाफले ऐड कर देंगे। तकरीबन 5 से 8 मिनट में हमारे बाफले बॉईल हो जाएंगे, क्योंकि हमने पानी पहले ही गर्म कर लिया था। और हम कैसे पता लगेगा बाफले बॉईल हो गए, तो वो भी मैं आपको आगे दिखाती जाऊँगी। देखिए हम सारे डाल देंगे, ऐड कर देंगे इसमें। और जब बाफले बॉईल हो जाते हैं, तो वो ऊपर आ जाते हैं और उनमें बबल्स आ जाते हैं। ऊपर की लेयर आप देख सकते हैं, हमने जब डाले थे फ्लैट सरफेस थी, अब उसमें थोड़े थोड़े से बबल्स आ गए हैं, मतलब हमारे बाफले बॉईल हो चुके हैं। यहाँ हमारी दाल भी रेडी हो गई है, तो हम चेक कर लेते हैं हमारे गोश्त गल गया है कि नहीं, दाल पूरी तरह से कुक हुई है या नहीं। तो यहाँ हमारा गोश्त भी पक चुका है, गल गया है, और दाल भी अच्छे से हो गई है, बाफले भी हो गए। अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर। अगर आपके पास टाइम है, तो बाफलों को आप नॉर्मली ठंडा होने दें, या फिर आप पंखे के नीचे या कोई भी हवादार हवा आने, जहां नॉर्मल हवा चल रही हो, वहां रख सकते हैं, जिससे आपके बाफले जल्दी से ड्राई हो जाए। हमें ड्राई करना है बाफलों को थोड़ा, क्योंकि अभी गीले हैं हमारे बाफले। स्ट्रेनर में निकाल लिए हैं। आपको लेयर्स नजर आ रहे होंगे अभी भी लेयर्स, और आगे भी और अच्छे से लेयर्स
जब हम ट्राई कर लेंगे तब और ज़्यादा अच्छे से नज़र आएंगे। यहाँ मैंने फ़ैन के नीचे रख दिया था इसको जल्दी से ड्राई करने के लिए। और अब यहाँ हम तड़का बना लेते हैं दाल का, दाल गोश का। लहसुन मैंने ऐड कर दिया है और पानी जो हमने बॉईल किया था बाफलों को वही पानी हम इसमें यूज़ कर रहे हैं दाल में, क्योंकि वो गर्म भी है और वो खाने का ही पानी है। लहसुन फ्राई हो गया, इसमें हींग डाल दी हमने, प्याज ऐड कर दिए, सौंफ डाल देंगे, ऑप्शनल है, मुझे सौंफ अच्छा लगता है दाल में फ्लेवर तो इसलिए मैंने डाला है, और ज़ीरा ऐड कर देंगे। अब हम प्याज को तब तक फ्राई करेंगे जब तक वो हल्की सी गोल्डन ना हो जाए। यहाँ पे मैं आपको फास्ट प्रोसेस में दिखा रही हूँ थोड़ा, वरना अगर मैं आपको नॉर्मल प्रोसेस दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ अब हम उस गोल्डन हो गए हैं, इसमें हमने नीम डाल दिया है, मीठा नीम और रेड चिली डाल दिए, हमारा तड़का रेडी है, इसको हम दाल में ऐड कर दिया। देखिए हमारे बाफले भी यहाँ ठंडे हो गए हैं, अब हम इसको बैक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने तंदूर ले लिया है बाफलों का, रीहीट कर लिया है उसको, इसमें बाफले ऐड कर दिए। हाँ, बाफलों को स्लो आंच पे ही बैक होने दें। देखिए ड्राई हो गए, आपको दिख रहे होंगे, नज़र आ रहे होंगे, इसको फ्लिप कर दिया है। देखिए कितने अच्छे गोल्डन हो गए हमारे बाफले और लेयर्स भी ओपन होना शुरू हो गई हैं इसकी। आप इस प्रोसेस से बनाएंगे तो आपके बाफले बहुत ही मज़ेदार बनेंगे, आपकी फैमिली में भी सब खुश हो जाएंगे इतने क्रिस्पी क्रंची और सॉफ्ट बाफले देखकर, क्योंकि जितने क्रंची ये बाहर से होंगे उतने ही सॉफ्ट ही अंदर से भी होंगे। तो यहाँ अब हम बाफले हमारे बैक हो गए, हम बॉईल करने फ्राई करने से पहले उसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे ताकि उसकी लेयर्स अच्छे से ओपन हो जाए। और यहाँ हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है, बाफलों को हम ऐड कर देंगे, फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हमारा ऑयल ऑलरेडी गर्म है, हमारे बाफले 2 से 3 मिनट में फ्राई हो जाएंगे। हमें हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है, स्लो फ्लेम पर ही, मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है इन्हें, फ्लिप कर देंगे एक बार। इसी तरह बाकी सबको भी हम, ये देखिए लेयर्स कितनी अच्छे से लेयर्स इसके ओपन हो रहे हैं, आप देख सकते हैं, वाह। तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे रिव्यू भी दीजिएगा आपकी फैमिली को कैसे लगे। ट्राई हो गए हैं, अब हम प्लेट कर लेंगे, हमारी दाल भी रेडी है, बाफले भी रेडी है। तो कैसे लगे आपको हमारी ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब बटन के पास ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना बिल्कुल भी मिस ना करें, ताकि हमारी आने वाली और भी डिलीशियस सी रेसिपीज़ आप सबको जल्दी से जल्दी सबसे पहले मिल सके उसका नोटिफिकेशन। तो यहाँ दाल पर हमने ऊपर से घी ऐड करा है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डालें, वैसे बहुत ही मज़े के लगता है दाल में, जब भी आप दाल बाफले बनाएं और घी ना डालें तो मज़ा नहीं आएगा गरम गरम दाल में। इसको आप चटनी अचार के साथ ये सब चीज़ें रखें, बहुत ही मज़े के लगते हैं। या मैंने प्याज के साथ आप लोगों को सर्व करके दिखाया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इसी नई रेसिपीज़ के साथ, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।